नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव सुशांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। तो आप सब कैसे हैं? आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में भी नहीं बताते। आपने जो अच्छा किया, जो सीख गया, जो समझ में आ गया, जैसा भी है, उन सब चीज़ों के बारे में हमको बताओगे नहीं तो बनेगा कैसे? तो हमसे बात करो भाई, हमसे जुड़ो, हमको बताओ कि हम कैसा कर रहे हैं। अगर कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। आप सभी का स्वागत है कक्षा 12वीं की भौतिकी के एग्ज़ाम सीरीज में। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने मेरे साथ जुड़कर बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे टॉपिक पर, बहुत सारे डेरिवेशंस पर जो है तैयारी कर ली है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको हमारे एडिशनल कंटेंट भी मिलेंगे। अगर आपको एडिशनल कंटेंट चाहिए तो इंस्टॉल कर लो, नहीं चाहिए तब भी हमसे बात करो, हमको कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ। हमको भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं ये जान लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बातचीत चालू की थी, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाना, और उसके बाद में हम लोगों ने फैराडे के नियम के बारे में बातें कर ली थी। अब हम जो है क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं लेंज के नियम के बारे में, और जानेंगे कि फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम से जो है किस प्रकार से जो है हम जो प्रेरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा है दूसरी कुंडली में उसकी दिशा को ज्ञात कर सकें। तो अब जो है लेंज का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। बेटा बाप को ही खा गया, या जो है हम लोग जो है दूसरे तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं कि आप बस बिल्कुल जो है एक बार कक्षा 11वीं में पढ़े हुए जड़त्व के नियम के बारे में सोचो। अगर इधर से धक्का दोगे तो जो है हमको जो है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में लगेगा, इधर से धक्का दोगे तो इस तरफ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण लगेगा। उसी प्रकार से जब आप जो है किसी धारा में जो है विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ाने का प्रयास करोगे तो विद्युत धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि वो उसको कम कर दे, और अगर यदि आप जो है विद्युत फ्लक्स को कम करने का प्रयास करोगे तो वो इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न होगी कि वो फ्लक्स को बढ़ा दे। इसी कारण जब हम चुंबक को पास ला रहे थे तब जो है विद्युत धारा की दिशा कुछ और थी, और जब हम चुंबक को वहां से दूर वापस खींचने का प्रयास कर रहे थे तो विद्युत धारा की दिशा पलट गई थी। इसके बाद में दाएं हाथ का जो नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये क्या बोलता है? देखिए यहाँ आप जो समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक समान पहले चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो है ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने एक चालक यानी कि एक कंडक्टर ले लिया। ये कंडक्टर आप मान लो ये है भाई हमारा कंडक्टर। अब जो है इस कंडक्टर को जो है हम लोगों ने गतिशील रखने का प्रयास किया। तो अब जो है यदि हमको इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर भी बाएं हाथ के नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी तर्जनी थी और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी तर्जनी है। तो यदि हम अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी की ओर रखेंगे और उसके बाद में जो है यदि हम ऊपर की ओर गतिशील करेंगे, इस चालक को हम लोगों ने किस तरफ जो है गतिशील किया, इस चालक को हम ऊपर उठाने लगे, ऐसी स्थिति में इस चालक में जो है जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, उसकी दिशा जो है उसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। अब आप जो है दायां हाथ रखो और दायां हाथ रखने के बाद में आप क्या देखते हो कि यदि हम चालक को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं तब जो है चुंबकीय क्षेत्र अगर जो है इसके लंबवत हो और हम इसको ऊपर की ओर गतिशील रखते हैं तो इसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा होगी वह इधर से उधर जा रही होगी। तो दाएं हाथ का नियम हम लोगों ने समझ लिया। अब आप जो है फिर से एक बार रिवाइज करो। ये है जब हम जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो ऊपर लगता है, ये बाएं हाथ का नियम। इससे जो है हम क्या सीखते हैं, इससे हम जनरेटर के बारे में सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम नहीं, यहाँ पर बल लग रहा है तो यहाँ पर हम मोटर के बारे में सीख सकते हैं। बाएं हाथ मोटर, बाया हाथ मोटर और दाया हाथ जनरेटर। यहाँ पर जो है जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र में जब जो है अपने चालक को गतिशील किया तो उस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने में, मतलब जनरेटर में। तो अब जो है आप यो कर सकते हैं, यहाँ पर मोटर जनरेटर, मोटर जनरेटर, मोटर जनरेटर, बायां मोटर दायां जनरेटर, बायां मोटर
दाया जनरेटर, ये चीज आपको याद हो जाएगी। आप बस बिल्कुल अपने खाली टाइम में मोटर जनरेटर जरूर किया कीजिए। यो यो बेबी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल में जो है हम जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये एक चालक है, ये एक चालक है, और ये जो चालक है इसके कारण जो है हमको हम एक क्या, ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र जो कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये समझ लीजिए कि ये जो हरे हरी वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है ये चालक की है, और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने क्या किया कि सफ़ेद रंग, ये जो सफ़ेद रंग की एक रॉड दिखाई दे रही है, आप मान लीजिए कि ये जो है इसकी पहली स्थिति थी ए और ए डैश। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बल लगाने का प्रयास किया, और ये जो बल लगा रहे हैं इससे जो है ये अंदर की ओर जा रहे हैं, और ये अंदर की ओर जाएगा तो इसकी अगली स्थिति यदि हम मान लें कि ये बी बी डैश जो है इसकी अगली स्थिति है, तो हम लोगों ने इस पर कोई बल लगाया, और इस पर बल लगाने के कारण यहाँ पर कोई विस्थापन होगा। इस विस्थापन को यदि हम एक्स मान लें तो हम लोगों ने एफ गुणा एक्स जो है कुल मिला के कार्य किया, और ये कार्य जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ के रूप में सेव हो जाएगा। अब वो कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले जो है जो क्षेत्रफल था वो इतना सारा था, तो इतना सारा क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ पर कुल मिला के अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है बी है, तो उसके बाद में जो है हम लोगों ने जैसे ही इस तार को पुश किया, हम लोगों ने जैसे ही तार को अंदर की ओर जो है धक्का दिया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ, और ये क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है हमको किस रूप में दिखाई देगा, हमको ये फ्लक्स के परिवर्तन के रूप में जो है दिखाई देगा। अब ये जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसी के कारण विद्युत वाहक बल बनता है, तो हमको विद्युत वाहक बल कैसा दिखाई देगा, E बराबर ऋण डी फाई बटा डी टी, और ये किसके किसके जैसा दिखाई देगा, E बराबर ऋण, अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस बटा डी टी। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो ही जो है विद्युत वाहक बल के रूप में दिखाई देगी। अब हमको ये देखना है कि ये जो विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है ये जो है हमारे बल से, हमारे कार्य से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम एक नया पेज ले लेते हैं, और कुल मिला के जो है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम कार्य को जो है एक छोटा सा कार्य देखने के लिए यहाँ पर विस्थापन को अगर हम जो है डी एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर छोटा सा कार्य एफ गुणा डी एक्स हो जाता है। इस पूरे कार्य को करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का मान हो जाएगा समाकलन एफ, और यहाँ पर जो है हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुल मिला के कार्य जो है हो जाएगा एफ गुणा एक्स, अच्छा ठीक है। अब जो है हम लोगों ने क्या क्या देखा कि यहाँ पर जो है कार्य में परिवर्तन की दर यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम पावर निकालना चाहें तो पावर होता है डब्लू डिवाइडेड बाय टी, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय टी, और ये हो जाएगा एफ इंटू भाई एक्स बटा वी, क्या होता है वेग होता है, तो एफ इंटू वी, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है जब हम विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी। अच्छा, हम लोगों ने क्या मान लिया है कि भाई यहाँ पर जो है ये जो पूरा, हाँ ये जो पूरी जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है, ये जो है एक्स है, ये जो है क्या है एक्स है, और इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है इसको हम मान लेते हैं कि ये एल है, ठीक है। अब ये जो है लंबाई एल है और एक्स है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है हम लोगों ने उस तार को डेल्टा एक्स जो है हम लोगों ने क्या किया, इसको डेल्टा एक्स दूरी पर जो है पुश किया। तो इस तरीके से जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए जो हम क्या करेंगे, बी गुणा भाई विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर बी डॉट डी एस होता है, तो यहाँ पर एल और यहाँ पर एक्स, तो जो है ये हो गया। अब मैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर की बात करूँगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे डी फाई बटा डी टी करने से यहाँ पर हमको
बी एल एक्स था, तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, और यहाँ से जो है हमको मिलेगा डी फाई बटा डी टी बराबर बी एल, और ये डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा वी। तो बी एल वी जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, और ये ही विद्युत विभव का मान होगा, ठीक है, या विद्युत वाहक बल का मान होगा बी एल वी। अब ये चीज तो हम लोगों ने समझ ली कि बी एल वी से जो है हमको विद्युत वाहक बल मिल रहा है, और इसे ही हम मोशनल ईएमएफ यानी कि गतिज विद्युत वाहक बल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गति के कारण जो है, यहाँ पर जो है इस तार को गतिशील रखने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और उस विद्युत वाहक बल का मान कितना है, ई बराबर बी एल वी। आगे जो है हम इसका एप्लीकेशन देखते चलेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फराडे के नियम से जो है विद्युत वाहक बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई विद्युत वाहक बल तो जो है हम लोगों को पता चल गया फराडे के नियम से, और जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो है विद्युत वाहक बल ई है, और यदि हमको विद्युत धारा निकालना है तो हम ई बटा आर कर देंगे, क्योंकि हमको पता है वी इज इक्वल टू आई आर, और ये कहाँ से आया था, ये ओम के नियम से आया था, तो वी के बजाय हमारे पास ई है और इज इक्वल टू आई आर हो सकता है, तो इस तरीके से जो है हमको I का मान मिल जाएगा E बटा R, यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है। अब E का मान क्या है, E का मान है बी एल वी अभी हम लोगों ने निकाला, और बटा R, और इस प्रकार से जो है हमको विद्युत धारा का मान पता चल जाता है। यदि हम जो है यहाँ पर शक्ति की बात करें तो शक्ति मतलब पावर होता है, और पावर के लिए अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पावर का मान होता है एफ गुणा वी, ठीक है, आप पावर का मान होता है एफ गुणा वी, और यहाँ पर वी क्या है, वेग है। अब जो है हम लोगों को यहाँ पर पता है कि पावर जो है आई स्क्वायर आर भी होता है, पावर जो है क्या होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, तो आई स्क्वायर आर में यदि जो है हम जो है आई का मान डालेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, आई स्क्वायर आर का मान हो जाएगा, यहाँ देखिए बी का वर्ग एल का वर्ग वी का वर्ग गुणा आर, ये आई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर जो है बटे जो है आर का वर्ग है बटे में, तो ये आर और ये आर कट जाएगा, और यहाँ पर पावर का मान क्या हो जाएगा, बी का वर्ग एल का वर्ग वी का वर्ग बटा आर, और ये ही जो है किसी भी कुंडली द्वारा हमको जो है दी गई शक्ति का मान है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने फैराडे के नियम को उपयोग किया। आगे भी हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।